चलिए आज बनाते हैं घर में ही मावा। तो मावा बनाने के लिए यहाँ हमने इस्तेमाल किया है 2 लीटर दूध, जो कि फुल क्रीम वाला दूध है। और मावा घर में बना ले तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि मार्केट की चीजों की गारंटी नहीं होती है कि जो चीज हम घर में लेके आ रहे हैं वो कितनी शुद्ध है या कितनी अच्छी है। तो घर में अगर आप बना लेते हैं तो सबसे अच्छा है। तो मावा बनाना हर किसी को आता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान हमें रखना होता है जिससे कि हमारा मावा बहुत ही टेस्टी बने और बिल्कुल अच्छा रहे, जिससे कि कोई भी मिठाई कुछ भी हम बनाए तो वो अच्छी बने। तो उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आज चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से घर में आप आसानी से मावा बना सकते हैं। यहाँ पे हमने फुल क्रीम वाले दूध का यूज किया है, जो कि बिल्कुल प्योर है। तो जब भी आप खोआ बनाना शुरू करें तो उसको चलाने के बाद इसी तरीके से कलछुल या पलटा, जिस भी चीज से आप चलाते हो, उसे कढ़ाई में ही छोड़ दें। इससे क्या होगा कि अगर दूध में उबाल भी आता है तो दूध उफन के नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। और जब भी आप चलाइए तो लगातार चलाने के साथ साथ कढ़ाई के किनारे से इस तरीके से मलाई को निकालते चलिए, वरना ये कढ़ाई के किनारे चिपक जाएगा और फिर आपकी खोआ अच्छे से तैयार नहीं होगा और ये चिपकता ही जाएगा और बाद में आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपको चलाते रहना है और साइड साइड से मलाई को निकालते भी रहना है। दूध को हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे और चलाते चलाते ये अपने आप गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि रबड़ी गाढ़ी होती है। तो ठीक इसी तरीके से ये गाढ़ा होना देखिए शुरू हो गया है। और बस इसको चलाते जरूर रहना, क्योंकि अगर जरा सा भी तली में ये लग गया ना तो पूरे मावे की खुशबू खराब हो जाएगी, वो जला जला सा अजीब सा स्मेल आएगा। तो इसलिए जब भी आप मावा तैयार करें तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि 1 मिनट के लिए भी आंख से ओझल मत होने दीजिएगा, वरना थोड़ी देर में ये आपका मावा खराब हो सकता है। तो ये देखिए अब अच्छे तरीके से ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बिल्कुल रबड़ी जैसा गाढ़ा हो चुका है। बस इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और थोड़े थोड़े उबाल से बुलबुले से देखिए आना शुरू हो गए हैं, थोड़े छींटे भी आते हैं। तो लगातार चलाते रहेंगे तो आपको छींटे नहीं आएंगे आपके ऊपर। और बस इसी तरीके से चलाते जाएंगे और ये देखिए एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो गया, मावा अब तैयार ही हो जाएगा। और कैसे पता चलेगा कि अब मावा पूरी तरह से तैयार हो गया है? अभी जितना तैयार है इस कंडीशन में अगर आप छोड़ देते हैं तो मावा आपका ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। थोड़ी देर और चलाइए, जब मावे से थोड़ा सा घी जैसा आना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका मावा बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है। और ऐसे स्टेज पे आप अगर मावे को बना के रखते हैं तो आप 20 से 25 दिन तक भी अच्छे से फ्रिज में रख सकते हैं, आपका मावा बिल्कुल नहीं खराब होगा। तो इसे थोड़ी देर और चलाएंगे 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद हमारा मावा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये मावा तैयार हो चुका है। ये 2 लीटर दूध में हमने बनाया था, जो कि बनने के बाद 500 ग्राम तैयार हुआ है, क्योंकि हमने फुल क्रीम वाला दूध यूज किया था जो कि बिल्कुल प्योर था। आप भी इसी तरीके से घर में ही मावा बनाइए, क्योंकि घर की चीजें शुद्ध होती हैं। और अगर आपको ये मावा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।